तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। अगर आप गूगल क्रोम ब्राउजर को यूज करते हैं तो डेफिनेटली ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, बहुत ही जरूरी है ये वाली वीडियो, आपको देखना चाहिए, क्योंकि गूगल क्रोम में एक बग को पाया गया है, बोल सकते हैं बहुत सारी उसमें कमियां पाई गई हैं, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने वॉर्न करा है। अगर आप गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, क्या है और इसको कैसे आप इससे बच सकते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूं गूगल क्रोम ब्राउजर के बारे में। तो दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने, या बोल सकते हैं आईटी मिनिस्टर ने, एक वार्निंग जारी करी है। अगर आप गूगल क्रोम ब्राउजर को यूज कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे कमियां पाई गई हैं, या फिर बोल सकते हैं वॉलनरेबिलिटीज पाई गई हैं, जो कि आपके गूगल ब्राउजर के रिलेटेड, आपके मोबाइल को, आपके लैपटॉप को, या फिर जहां जहां आप गूगल ब्राउजर यूज करते हैं वहां आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उससे क्या होगा, कोई भी आपके मतलब कंप्यूटर में या मोबाइल में उसमें कोडिंग भी ऐड कर सकता है, या आपके रिमोटली पूरे डेटा को एक्सेस भी कर सकता है, और भी बहुत टोटल 30 ऐसी उसमें कमियां पाई गई हैं, जिसके लिए उन्होंने वॉर्न कराया था इंडियन गवर्नमेंट ने। द इंडियन गवर्नमेंट की एक जो कंपनी है CERT, द कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने उन्हें वॉर्न कराया सभी यूजर को कि जो गूगल क्रोम ब्राउजर को यूज करते हैं तो उनके लिए वार्निंग है, उसमें बहुत सारी कमियां पाई गई हैं। तो आपको करना क्या होगा, अगर आप वर्जन नंबर 101.0.495164 उससे नीचे का वर्जन कोई भी यूज कर रहे हैं, चाहे अपने लैपटॉप में, चाहे अपने कंप्यूटर में, चाहे आप अपने मोबाइल में, तो आपको उसको अपडेट कर लेना है। अगर आप उसको अपडेट नहीं करेंगे तो आपके साथ वहां कुछ भी हो सकता है, आपका डेटा लॉस हो सकता है, या फिर बोल सकते हैं कि आप समझ लो कि आपने अपना मोबाइल किसी के सामने अनलॉक करके रख दिया है, तो कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। इतनी कमियां पाई गई हैं, गूगल ने भी इसको डिटेक्ट कर लिया है, तभी उन्होंने गूगल क्रोम का एक नया अपडेट निकाला है, जिसमें जो भी वॉलंटरीज है, या बोल सकते हैं जो भी कमियां हैं, उसको उन्होंने अपडेट में रिजॉल्व करा है। तो आपको उसको अपडेट करना चाहिए, उनकी तरफ से इसको एडवाइस को रोल आउट कर दिया गया है। ये जो फिलहाल जो है ज्यादातर डेस्कटॉप यूजर के लिए आया है, बट ये मोबाइल के लिए भी आपको अपडेट करना चाहिए। जैसा कि मैं पहले ही बताता हूं, कोई भी अगर आप चीज यूज करते हैं, कोई भी ऐप लाइक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, या कोई भी ऐप जो भी आप इंस्टॉल करते हैं, इवन अपना मोबाइल भी आप चलाते हैं, तो हमेशा उसको लेटेस्ट वर्जन पे ही रखना चाहिए। क्योंकि लेटेस्ट वर्जन से होता क्या है, कुछ भी जो बग्स होते हैं, कुछ भी जो कमियां होती हैं, कुछ भी मतलब ऐसी जो कमियां होती हैं जिससे आपको नुकसान हो सकता है, वो उसको अपडेट में उसको रिजॉल्व किया जाता है, इंप्रूवमेंट किया जाता है। तो हमेशा अपने अपने मोबाइल, अपने जो भी एप्स को आप यूज करते हैं, उसको अपडेटेड रखना चाहिए। सेम ऐसा ही कहा है द इंडियन CERT ने कि आपको अपने जो गूगल ब्राउजर है उसको अपडेट कर लेना है, वो भी 100.04951.60 पर, मतलब कि आपको इस वर्जन पे अपडेट कर लेना है। अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो आप उसके अपडेट करें बिना आप गूगल क्रोम ब्राउजर को यूज ना करें, पहले उसको अपडेट करें, उसके बाद ही उसको यूज करें, चाहे अपने डेस्कटॉप पे, चाहे अपने लैपटॉप में, या कहीं भी हो, आपको उसको पहले अपडेट करना है, उसके बाद ही उसको यूज करना है, ताकि कोई भी आपके साथ, आपके डेटा के साथ कोई कुछ एक्सेस ना कर सके। मतलब कि सीधी सीधी एक ही पॉइंट की बात है, उनने ऐसा कहा है कि भैया आप अपने गूगल क्रोम को अपडेट कर लो, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। सीधी सीधी उनने ऐसी वार्निंग दी है। तो आपको अपने गूगल क्रोम को जाके अपडेट कर लेना है। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, प्ले स्टोर में वहां पर आपको मिल जाएगा, आपको उसको अपडेट कर लेना है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपकी मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना।